चलिए सीधा रुक करवाता हूँ आप सभी को अगली खबर से जो उदयपुर से सामने आई है, जहां पर एक 13 साल की मासूम बच्ची को उसी की भाभी ने गर्म चाकू से उसको हमला किया है। जी हाँ, ये मामला उदयपुर का बताया जा रहा है, लेकिन इस मामले के अंतर्गत भाई शांत रहा। वह बिहार की युवती बताई जा रही है जो पढ़ाई करने के लिए उदयपुर आई थी अपने भाई के कहने पर, और इसी के चलते हुए पहले तो सब कुछ सही चला, लेकिन बाद में भाभी ने उसे गर्म चाकू से दाग दिया है। अब उसका उपचार जारी है और उसे अब वापस बिहार अपने माता पिता के पास भेजने की तैयारियां की जा रही है। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आ चुका है। यहां पर एक 13 साल की मासूम को भाभी ने गर्म चाकू से दाग दिया। इस मामले में भाई भी शांत रहा और पत्नी के डर से बहन की कोई मदद नहीं कर पाया। भाई अपनी बहन को पढ़ाने के लिए बिहार से लेकर के आया था, लेकिन पढ़ाई की जगह यहाँ प्रताड़ना मिलने लगी। बिहार की रहने वाली 13 साल की मासूम बच्ची को उनका मौसेरा भाई पढ़ाने के लिए राजस्थान के उदयपुर में लेकर के आया था। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में सब कुछ बदल गया। कुछ समय बाद भाभी ने अपना रूप दिखाना शुरू किया और बच्ची को पढ़ाने की जगह घर के काम में लगा दिया। गलती होने पर वे जमकर के मारपीट भी करते थे। एक दिन किसी बात से नाराज होकर के भाभी ने 13 साल की मासूम को गर्म चाकू से दाग दिया। पत्नी के डर से भाई भी मासूम बच्ची की मदद नहीं कर सका। इस बात की सूचना CWC को दी गई और CWC की टीम ने बच्ची को रेस्क्यू किया और मामले में सवीना थाने में केस दर्ज हुआ है। अब बच्ची अपने माता पिता के पास वापस बिहार जाना चाहती है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।